नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। क्या ओमिक्रॉन का खतरा भारत में कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में तो आज ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए हाई लेवल की मीटिंग भी हुई, जिसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी की गई और उस प्लान के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या पहली और दूसरी लहर जैसा तीसरी लहर के बारे में भी जो बात कही जा रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या ऐसी आशंका है और ऐसा हो सकता है? जैसे कि हमने पिछले दो दौर में देखा है, दो लहर में देखा है, क्या वैसी स्थिति एक बार फिर से बन सकती है? इन आशंकाओं को दूर करने वाली एक रिपोर्ट हमने तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के दो केस के मिलने की पुष्टि हुई और तीन हफ्ते के भीतर यानी 23 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 325 हो गए। अब सवाल है कि जिस तेजी से ओमिक्रॉन अपनी संक्रमण रफ्तार बढ़ा रहा है, क्या वो संक्रमण रफ्तार हिंदुस्तान में तीसरी लहर की वजह बन जाएगी? इसे लेकर वैज्ञानिकों में अलग अलग राय है। तीसरी लहर की आशंका जताने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के चलते भारत में अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आ सकती है, जबकि वैज्ञानिकों का दूसरा पक्ष ये है कि ओमिक्रॉन के केस तो जरूर बढ़ेंगे लेकिन तीसरी लहर जैसा कोई खतरा नहीं आएगा। जो वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर की आशंका को खारिज कर रहे हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन की संक्रमण रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट से सबसे ज्यादा तेज है और भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में इसके फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक ओमिक्रॉन के जैसे हल्के लक्षण मरीजों में देखने को मिले हैं, उसके चलते अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन इस साल के अप्रैल महीने जैसा तीसरी लहर लेकर आएगा। जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक जो डेटा निकल के आया है साउथ अफ्रीका से या कुछ अन्य देशों से, वहाँ पे लगभग सभी लोग जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइल्ड ही हुआ है। हाँ, टास्क फोर्स और जो एक्सपर्ट बॉडी है उनका यही अंदेजा है कि भाई जनवरी एंड या जनवरी सेकेंड वीक के बाद नंबर बढ़ने, वेव आने की शक्यता उन्होंने दी है, तो इसलिए हमारी तैयारियाँ पूरा चल रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तीसरी लहर की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसे दिल्ली के एग्जाम्पल से समझिए। पिछले दो दिनों से दिल्ली में कोरोना के नए केस 100 के पार आ रहे हैं। दिल्ली में इस साल 29 जून के बाद ये पहली बार हो रहा है जब दिसंबर महीने में कई रोज कोरोना के नए केस 100 के पार चले गए। हालांकि ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली में कोरोना के केस में आया अचानक उछाल ओमिक्रॉन के चलते है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में कोरोना के सभी केस की न तो जीनोम सिक्वेंसिंग हो रही है और न ही हर कोरोना सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है, तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सभी नए केस की जीनोम सिक्वेंसिंग की बात जरूर कही है, लेकिन ये कितना मुमकिन हो पाएगा अब वो समझिए। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक हर देश को कम से कम कोरोना के 5% केस की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए, लेकिन नवंबर 2021 तक का डेटा बताता है कि देश में 0.02% सैंपल की ही जीनोम सिक्वेंसिंग कराई गई।
दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो तकनीक है, या ये कहें वो जांच है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। आरटीपीसीआर टेस्ट में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन देश में इसकी सैंपलिंग की संख्या बेहद कम है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने और उसे काबू करने में इस वक्त पूरा खेल जीनोम सीक्वेंसिंग का ही है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग इतना भी आसान नहीं है। कोरोना के एक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 4000 से 8000 रुपए का खर्च आता है, जबकि इसकी रिपोर्ट आने में 24 से 96 घंटे का वक्त लगता है। मतलब अगर किसी शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिया गया और वो इसमें ओमिक्रॉन से संक्रमित निकला, तो उसके संक्रमण चेन का जब तक पता लगाया जाएगा तब तक ये कई और दूसरे लोगों तक पहुंच चुका होगा। The lessons from the 2 years, the two big lessons. One, an injection is not the solution to the pandemic. All right? You can't give more and more injections and make the virus go away. If there's a biggest truth that came out, this is the biggest truth. I'm not saying injections are not important, but they must be used diligently. So two-dose vaccination offers solid protection, which does not go away. The second lesson is, if you act early, like India did, both the big waves, you can save lives. If you delay, like some Western nations did, yes, no matter how rich you are as a nation, how well developed your facilities are, they will always be overwhelmed. आपको दिखाते हैं कि देश के किन राज्यों में 5% से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। 8 नवंबर तक के डेटा के मुताबिक केरल में सबसे ज्यादा 19,328 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, यानी करीब 27.4% सैंपल। महाराष्ट्र में 6,962 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, यानी करीब 9.9% सैंपल। दिल्ली में 5,764 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, यानी करीब 8.8% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग। पश्चिम बंगाल में 8 नवंबर तक 3,882 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, यानी करीब 5.5% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। तेलंगाना में 3,582 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, यानी करीब 5.1% सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। इन 5 राज्यों के अलावा बाकी सभी राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की दर 5% से कम ही रही है। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि दिल्ली ओमिक्रॉन के मामलों में टॉप के राज्यों में बना हुआ है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में टारगेट रखा गया कि दिल्ली में हर रोज 3 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। यही नहीं, दिल्ली में हर रोज 1 लाख तक के कोरोना केस को हैंडल करने की तैयारी हो रही है। अगले 2 महीने के लिए मेडिसिन का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डॉक्टरों की हड़ताल मुश्किलें बढ़ा रहा है। ये दिल्ली के LNJP अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां कड़ाके की ठंड के बीच अस्पताल कैंपस में मरीजों की लाइन लंबी हो रही है, लेकिन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं ये कोविड डेडिकेटेड और खासकर ओमिक्रॉन भी वायरस वेरिएंट जो है वो उसको लेकर भी यहाँ पे डेडिकेटेड किया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थिति ये है, बैठक बुलाई गई है, समीक्षा की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तैयारियों को लेकर। दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, सरकारें हाई लेवल मीटिंग कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की पब्लिक कोरोना के नए खतरे को लेकर कितने गंभीर हैं, अब उसकी तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली के लाजपत नगर की तस्वीरें हैं, जहां क्रिसमस से पहले ही लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी है। इस भीड़ में न तो सोशल डिस्टेंसिंग बरती जा रही है और न ही कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा तो लोगों को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।
दिल्ली में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है वो पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि दिल्ली की तरह देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस तीसरी लहर की आशंका को और हवा दे रहे हैं। देश में कोविड 19 पर रिसर्च करने वाली IIT हैदराबाद और IIT कानपुर की एक ज्वाइंट टीम की स्टडी कहती है कि ओमिक्रॉन के चलते रोज के केस लोड बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ओमिक्रॉन मौजूदा डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करना शुरू कर देता है। इस टीम में शामिल IIT कानपुर के मणिंदर अग्रवाल ओमिक्रॉन को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है। जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में तीसरी लहर पर एक दूसरी थ्योरी पर भी चर्चा हो रही है। इस थ्योरी के मुताबिक देश में कोरोना की पहली लहर की शुरुआत पिछले साल मार्च महीने के आखिरी में शुरू हुई थी, जबकि इस साल कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत भी मार्च महीने के आखिर में ही हुई थी। तो फिर आशंका अब तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही है कि क्या नए साल की शुरुआत कोरोना की तीसरी लहर से होगी। हालांकि ये थ्योरी महज एक चर्चा से ज्यादा कुछ और नहीं है, क्योंकि देश में तीसरी लहर आएगी या फिर नहीं आएगी भी तो क्या वो पहली या दूसरी लहर जितनी गंभीर होगी, इसे लेकर अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। India's fear from India's perspective is if a large number of people become simultaneously ill, even if it's mild to moderate illness, it can cause a lot of problems. It'll be like an earthquake, because it'll be like a mild earthquake in the sense that if a lot of people get sick, you're going to hit productivity. Healthcare workers are going to get sick. They may become absent. When more people are coming into hospital, imagine a situation when we don't have enough healthcare workers. And you can't produce them by hiring people. You can't. You can't create healthcare workers just by putting an ad in the paper. You can't. They're a finite commodity. तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गुरुवार को ऑक्सीजन प्लांट में कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया, ये समझने के लिए कि अगर दूसरी लहर जैसी आपात स्थिति आए तो ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई कर भी पाएगी या नहीं। एक्चुअली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये प्लांट है उससे सही सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है जहां इसका कनेक्शन है, और दूसरा इसका प्योरिटी भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या प्योरिटी से जा रहा है ये। तो अभी तो सब सही है, यहाँ 3750 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ये OGP से जा रहा है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग अपने राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक और इमरजेंसी कवर कर रहे हैं हम लोग। ओमिक्रॉन का खतरा और दूसरी लहर की आशंका के बीच सरकारी तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी अगर उनकी ओर से सावधानी नहीं बरती गई। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, भीड़भाड़ वाली जगह में जरूरत नहीं हो तो बिल्कुल मत जाएं और भीड़ तो बिल्कुल ना करें कहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।